जहां पना शहंशाह चार आलम जहां पना, अरे ओ जहां पना के बच्चे, माफ कीजिए, इसके लिए तो मेरी सर और गर्दन भी हाजिर है इस गुस्ताखी के लिए, मगर सर और गर्दन के बजाय खाली टोपी ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हजूर आलम, एक बहुत जरूरी खबर आपको बतानी है। उस घबराहट के अंदर मैं तैश में आकर कुछ घबराहट के अंदर नलायकी के शब्द बोल गया, क्षमा कीजिए, क्षमा याचना, राइट, मुआफी। बात यह है जहां पना साहब कि आज का दिन है 12 दिसंबर 2011, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और आज का दिन सारे दुनिया के ज्योतिषियों ने और साइंटिस्ट ने कॉस्मोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि कयामत का दिन है। आज का दिन प्रलय का दिन है, सृष्टि की प्रलय होने वाली है, राइट, कुल कायनात का विनाश होने वाला है। वी आर ऑल अबाउट टू बी ब्लास्टेड टू जीरो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक धूम्रपान क्या कहते हैं, कॉमेट, धूम्र प्रवेश एक कॉमेट आ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। अब आप पूछेंगे कॉमेट क्या होता है, मुझे क्या पता कॉमेट क्या होता है। कहते हैं एक बड़ा भारी पथरीला आग का गोला, वॉल्केनो, उड़ता हुआ वॉल्केनो इस पृथ्वी की ओर आ रहा है, और जब वो यहां पे गिरेगा इस प्रकार फटेगा जैसे करोड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब फटते हैं, और फिर हम कहां होंगे, हैं? तो यही सारी परिस्थिति है हजूर आला, जिसके कारण मैं इतना परेशान हो रहा हूं, क्योंकि कयामत का दिन है आज, आने वाला नहीं, कयामत का दिन ही है आज। दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषियों नजूमियों ने यही कहा है। हजूम, जो हजूम इकट्ठा हुआ है नजूमियों का, सब ने मिलकर यह कहा है कि आज कयामत का दिन है, और इतने सारे लोग गलत तो हो नहीं सकते, राइट, कलामत कयामत का दिन गलत हो जाए मगर इतने सारे ज्योतिषी गलत नहीं हो सकते, राइट। तो अब क्या करना है जहां पना बताइए, कयामत तो आ गई, अब क्या करें? क्या कहा वजीर आलम, नालायक, मूर्ख, गधे, तुम्हारी यह हिम्मत पड़ गई कि मुझे शहंशाह दो आलम के बच्चे कहने लग गए? सुअर दा बच्चा, खैर बदला तो मैंने ले लिया, अब कह क्या रहे हैं आप, कयामत का दिन आ गया, कयामत का दिन है, और किसने कहा? दुनिया भर के हजूम ने, एकत्रित गैदरिंग ने, नजूमियों की, एस्ट्रोलॉजर्स की, और साइंटिस्ट ने भी मिलके कह दिया। तो साइंटिस्ट तो कभी गलत नहीं हो सकते, अगर साइंटिस्ट ने भी कहा है कि कयामत का दिन है, फिर तो नेचुरली कयामत का दिन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, राइट, जो हुआ सो हुआ, इट्स डन इज डन, जो हुआ सो हुआ, मैं क्या कर सकता हूं अगर कयामत का दिन आया। आप ज्यादा वरी ना करने चाहिए, आपको आदत है फालतू बातें करने की, रोज डेली आप बातें करते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें होती हैं। इधर तो मैं मानता हूं बुनियाद तो है इसकी, मगर फिर भी जरूरत क्या था मुझे बताने की, आने देते कयामत का दिन, रोज ही कयामत का दिन होता है, ये भी आ जाएगा तो क्या है। मेरा ख्याल है कयामत का दिन तो आ रहा है, ठीक है एक प्याली चाय ना हो जाए उससे पहले, ताजमहल ग्रीन टी दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरा, वजीर आलम साहब, वहाँ हमारे जो चपरासी साहब हैं उनको कहिए कि जो गाय भैंसे चरने गई हुई हैं उनको जल्दी जंगल से वापस बुला लें, और उनका गोबर कलेक्ट करके नेक्स्ट कंसाइनमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भेजनी है हमने, क्योंकि वो सुना है गोबर में से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं, तो उनको इस वक्त रॉ फ्यूल की ज़रूरत है, तो उनको भेजते जाइए, और हमारा क्या जाता है इसमें। और ठीक है, और होने दीजिए, कयामत का क्या कर रहे हैं, कयामत तो क्या, कयामत आने दो, चाहे कयामत आ रही है, पहले क्यों नहीं बताया बदमाश, है कयामत, कैसी कयामत, धूम्रपान आ रहा है, कॉमेट को धूम्रपान कहते हैं, धूम्रपान तो सिगरेट को कहते हैं, बेवकूफ,
Wait a minute. धूम्रकेतु, उल्लू, धूम्रकेतु आ रहा है, धूम्रकेतु कॉमेट आ रहा है, कहाँ है कॉमेट? Seeing is believing. दूरबीन लाइए, दूरबीन है, दूरबीन नहीं तो दूरदर्शन के चैनल को टर्न ऑन करिए, लाइए दूरबीन. वजीरे आलम साहब, मुझे भी एक नजूमी ज्योतिषी ने बताया था कि अगर आपको कभी कॉमेट नजर आए तो कॉमेट की ओर अपना बिगल बजा दीजिएगा. पहले कॉमेट देखें है तो सही, फिर जब कॉमेट नजर आएगा तो हम ये बिगल बजाएंगे और कॉमेट वापस लौट जाएगा. ये भी तो ज्योतिष है. दिस इज द आर्ट ऑफ ज्योतिष. पहले देख लें कॉमेट है कहाँ, और जब देखा तो ये साइमल्टेनियसली ये भी बजा देंगे. इसको मुंह पे रखता हूं और उसको आंख पे रखता हूं और देखता हूं. प्रीमच्योर बजा दिया मैंने. मुझे तो कोई कॉमेट नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? मुझे तो कोई आदमी मेरी तरफ दूरबीन से देखता हुआ नजर आ रहा है. एलियंस, एलियंस. वजीरे आलम साहब, मैंने दूरबीन से देखा तो मुझे क्या नजर आया कि एक दूरबीन से कोई एलियन मेरी ओर देख रहा है. यह क्या हुआ? शहंशाह दो आलम, दरअसल आप मेरी तरफ अपनी दूरबीन से देख रहे थे जबकि मैं अपनी तरफ से आपकी दूरबीन की तरफ देख रहा था. कंफ्यूजन, राइट? और मैं एलियन ही तो हूं. आई हैव बीन एलियनेटेड फ्रॉम योर दरबार, सो आई एम एन एलियन, राइट? अब मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है. शहंशाह दो आलम, देखिए देखिए, एक लाइट नजर आ रही है. ये लाइट हम लोगों की तरफ चल के आ रही है. देखिए जल्दी से, देखिए एक लाइट आ रही है. शहंशाह दो आलम, मैं अपना इस्तीफा सबमिट करके इमीडिएटली भाग रहा हूं. मैं इस दुनिया से बाहर जा रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में तो कयामत आने वाली है. जाऊंगा कैसे दुनिया से बाहर? आपके घोड़े गधे कोई हों तो उन पे सवार होकर जा सकता हूं. गुड बाय सर, आई एम लीविंग. वजीर आलम साहब, इतनी जल्दी मत करिए. टीवी की खबरों को सुनिए, कुछ कह रहा है ये. सुनिए क्या कह रहा है. ये है आपका फेवरेट फॉक्स चैनल लोमड़ी न्यूज. सबसे पहले अपना रोजाना का टूथपेस्ट निकालिए और अपने दांत साफ करिए ताकि वो क्रिस्टल क्लियर और चमकते चमकते नजर आएं जब आप टीवी सेट की तरफ देखें और हमारी स्पॉन्सरशिप उस टूथपेस्ट की ओर अधिक तौर पे बढ़ जाए. नंबर टू, आज एक दुर्घटना में एक भी आदमी नहीं मारा गया. एक हेलीकॉप्टर एकाएक एक मेंढक के पॉन्ड के अंदर जा गिरा, मगर उसका जो पायलट था वो पैराशूट करके पहले ही बाहर कूद चुका था. मगर जब उसने पैराशूट किया उस वक्त वो जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊंचा था, तो वो पैराशूट समेत एक पत्थर पे गिरा जहां उसकी खोपड़ी टूट गई और उसको काफी हद तक चोट आई, मगर वो अब हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है. धन्यवाद. हेलीकॉप्टर निकला जाके, वो भी फ्रॉग पॉन्ड में गिरा, मेंढकों के पॉन्ड में गिरा, और वो 2 फुट ऊपर से पैराशूट कूद के डाल गया और अपनी टिंड खोपड़ी तोड़ दिया. उसके लिए कयामत आ गई. हम लोग ऐसे ही वरी करते रहे. मैंने कहा था ना जनाब साहब कि कयामत का दिन नहीं है आज. और वैसे भी कयामत तो 2012 में आनी थी ना, तो आज तो 12 तारीख है, 2011 है. वजीर आलम साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है. कयामत कैसे 1 साल पहले आ गई है? 1 साल पहले तो आई नहीं सकती, कम से कम 1 साल तो है हमारे पास अपनी योजनाएं और प्लानिंग बनाने के लिए. चलो इलेक्शन में ही खड़े हो जाएं तब तक के लिए. कोई कयामत नहीं आ रही. डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ मी. नो कयामत इन द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड? ये जो है धूम्रपान वगैरह अगले साल होगा, अगर हुआ तो, राइट? इस वक्त कुछ नहीं होने वाला. रिलैक्स करके बैठिए. मैंने पहले ही कहा था कि गाय भैंस जो चरने गई हैं उनको काउंट करिए, उसका गोबर कलेक्ट करिए,
गोबर की कंसाइनमेंट्स बनाइए, अच्छे पैकेजेस बनाइए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को शिपमेंट के लिए भेजिए ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकें उनसे, राइट? और फॉरगेट अबाउट कयामत फॉर एटलीस्ट वन ईयर. मेरी सैलरी तो कम से कम बढ़ा दीजिएगा कयामत से पहले, है? इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि कयामत आ रही है और आ गई कयामत, और मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ाएंगे, इससे बढ़कर और क्या अन्याय हो सकता है?